वेलकम टू एस क्यू टीवी। आई एम पूर्णिमा शर्मा और इस वक्त मेरे साथ हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर संजय अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। गुड इवनिंग। सर, जिस तरह लॉकडाउन का ये पीरियड है, इस दौरान सुनने में आया है कि जो किडनी के पेशेंट्स हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे दवाई लेने की बात हो, दवाई उनको मिलने की बात हो, या फिर जिन लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है उनको जो मेडिसिन की मिलने में क्या दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, दो दो तरह के पेशेंट ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है। एक तो जो रेगुलर डायलिसिस पे हैं लाइफ लॉन्ग, उनको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस के लिए आना पड़ता है, तो लॉकडाउन में उनको अपने घर से ट्रेवल करके हॉस्पिटल आना इज ए इशू, बिकॉज मेनी टाइम दे डोंट गेट कन्वेंस। ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर पुअर पेशेंट, दे डोंट हैव देयर ओन व्हीकल, सो दे रियली यूज अवर हॉस्पिटल ओपीडी कार्ड एज ए पास टू ट्रेवल इन द बस और इन ए अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो वन इशू इज दैट दे आर हैविंग डिफिकल्टी। सेकेंड इशू इज दैट मेनी अदर हॉस्पिटल वेयर इन्फेक्टेड पेशेंट आर देयर, दोज हॉस्पिटल आर टेम्परेरली डायलिसिस यूनिट आर स्टॉप्ड एक्चुअली टिल दैट हॉस्पिटल डायलिसिस यूनिट इज सैनिटाइज। So those patients then come to our hospital for emergency dialysis. Then all issues, because our dialysis unit is also occupied completely, so we cannot accommodate too many patients. So one issue is this, and most of these patients have breathing problem if they don't get dialysis. So a large number of them are suspected to be COVID positive if they have got breathing symptom. So we have to really put him there in a category of suspected COVID and do all sort of a thing, which in a normal course they might not have required. So this is patient who are in a dialysis. Other group of patient are transplant patient, because they get regular, they need regular lifelong medicine, and these medicines are specific medicines. So these are not available in every chemist shop. Plus there are various brand of medicine and every patient is taking a specific brand, so he may not be getting those medicine at in his city, because we cater patient from across India, so many patients are from far away places and the shops are not open, so they are not able to get medicine. So we are helping these patient, trying to help as best as possible in various ways. Say for example, we have inquired major companies, chemist shop in different part of the country, and noted down numbers. So if patient ask from where he can get medicine, we give them number of their nearest chemist. Plus we have opened a helpline as well as a email on which patient can take a help from us. जी, तो ये जो आपने हेल्पलाइन की सर बात की, यू टॉक्ड अबाउट फ्यू हेल्पलाइंस थ्रू ईमेल, आल्सो थ्रू व्हाट्सएप और फोन नंबर, तो ये जो हेल्पलाइन है ये इसमें जो ऑलरेडी एम्स में जिन पेशेंट्स का इलाज चल रहा है उनके लिए है। हाँ, ये उनके लिए इसलिए है क्योंकि एवरी पेशेंट जिसको हमने पहले कभी देखा ही नहीं है उसको फोन पे हम जनरल एडवाइस दे सकते हैं, बट पेशेंट स्पेसिफिक एडवाइस शायद देना मुश्किल होता है। जिन पेशेंट को हम लोगों ने देखा हुआ है, देन दोज पेशेंट एक्चुअली रीड अवर ओपीडी कार्ड की हमने पहले मेडिसिन क्या लिखी थी, तो वी नो दैट उस पेशेंट को हम जानते हैं पहले से, तो उसको एडवाइस स्पेसिफिक देना इजी है। बट ऐसा नहीं, अगर कोई अननोन पेशेंट भी हमें रिंग करता है तो हम जनरल एडवाइस उसको फिर भी दे देते हैं, एंड देन मतलब इवन दैट जनरल एडवाइस इज ऑल्सो हेल्पफुल टू हिम, because to tide over the emergency that is useful, then he in a regular day then he attend some nearby hospital or his own treating doctor. जी, तो सर आपने एक बात बताई कि प्राइवेट में आप डायलिसिस मुश्किल हो रहा है, तो जो पेशेंट्स हैं वो एम्स आ रहे हैं, अब एम्स में ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज्यादा है तो उनको अकोमोडेट करना इतना आसान नहीं है।
और फिर जो अब एम्स के पेशेंट्स हैं उनके लिए आपने एक हेल्पलाइन शुरू की है ईमेल के थ्रू, या फिर वो फोन करके या व्हाट्सएप के थ्रू डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं डे टू डे बेसिस पे, चाहे मेडिसिन मिलने की बात हो, किस तरह की और हेल्प आप जो एम्स के पेशेंट्स हैं जो ऑलरेडी जिनका आपके यहाँ इलाज चल रहा है उनको हेल्प दे रहे हैं, और कितनी ये मदद हो पा रही है डेली बेसिस पर? देखिए, हमने एक हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप मतलब उसको पब्लिसाइज कर सकती हैं अपने मीडियम से तो यू कैन ऑल्सो पब्लिसाइज, नंबर है 9999 70349. ये हमारा क्वालिफाइड डॉक्टर का मोबाइल नंबर है फॉर दिस हेल्पलाइन, और इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और फोन भी कर सकते हैं, एंड दैट डॉक्टर विल रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली. हम लोगों ने जब से ये शुरू करी है हमारे पास एवरेज 45 से 50 फोन या व्हाट्सएप आते हैं डेली बेसिस पे, एंड वी रिस्पॉन्ड देम. आप पूछ रही थी और तरह से कैसे हेल्प करिए, हमने कुछ पेशेंट के पास जो हमारे बहुत सारे पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हैं तो वो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, तो उनको रेगुलर मेडिसिन भी लेने के लिए उनको फंड मिलता है बहुत जगह से, तो दे मंथली बेसिस पे दे गेट फंड. सो बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ट्रेवल एंड गो टू देयर रिस्पेक्टिव सोर्स ऑफ मनी, तो हमने कुछ कंपनियों से ट्रांसप्लांट मेडिसिन कॉम्प्लीमेंट्री लेकर अपने पास रखी हुई हैं, तो जो पेशेंट को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं वो हमारे पास आके हॉस्पिटल से दवा भी ले जा पा रहे हैं, तो हम उनको टेम्परेली 5-7 दिन की दवा एडिशनल फ्री दे रहे हैं ताकि वो क्राइसिस टाइड ओवर कर लें, फिर वो रेगुलर अपने आप ले पाएंगे. और इसीलिए हमने ईमेल एक जनरेट किया है, सिंपल सा नाम है kidneycaredurincorona@gmail.com. जी, तो इसको याद रखना भी आसान है किसी के लिए भी, kidneycaredurincorona@gmail.com. मेल पे उतने हमारे पास क्वेश्चन नहीं आते हैं जितने कि फोन पे आते हैं. सर, जिस तरह आपने जानकारी दी है कि किस तरह से ये पूरी जो हेल्प लाइन के जरिए ईमेल के जरिए लोगों की मदद की जा रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए. और आपसे जानना चाहेंगे कि अंत में कि एक बार फिर से आप ये जो फोन नंबर है वो हमारे यूजर्स जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बता पाए. हम बता देते 9999 जी 70349 जी, ये मोबाइल नंबर है, और ईमेल है सिंपल है kidneycaredurincorona@gmail.com. सो ऑल्दो ये हमने प्राइमरली अपने जो पेशेंट हमारे फॉलोअप में हैं उनके लिए, बट कोई भी पेशेंट किडनी हमारे फॉलोअप में अगर नहीं भी है, अगर वो इस मोबाइल या ईमेल पे अपनी क्वेरी या अपना कंसर्न हमें भेजेगा तो हम लोग जरूर जवाब देंगे. जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय अग्रवाल, प्रोफेसर इन एचओडी नेफ्रोलॉजी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमसे बात करने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमारे व्यूअर्स को देने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. धन्यवाद.